सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आ चुका हूँ एकदम लेटेस्ट वीडियो के साथ। सो कल की वीडियो के बाद अगली वीडियो है। हाँ, तो ये इस वीडियो में भी मैं इस साल आने वाली मूवीज के बारे में बात करूंगा, बट इस साल की इंडियन मूवीज के बारे में और साथ में सीरीज भी, तो वो भी इंक्लूड कर लिए। तो उनके बारे में बात करना अपने लिए जरूरी है क्योंकि वी आर इंडियन, तो भाई इंडियन माल के बारे में तो बात करनी चाहिए। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग माल आने वाला है इस साल इंडिया से, और कुछ रीमेक्स भी हो गए। सबके बारे में अपन बात करेंगे जितना अपने को, अपने पास कंटेंट है। तो सबसे पहले अपन जो अभी ज़्यादा चल रहा है साउथ, तो साउथ की तरफ जाए तो साउथ की एक सबसे पहले तो अपन अभी कुछ ही दिनों में कुछ मूवीज़ आने वाली है, लाइक वरीसु एंड थुनीमु करके। तो ये दोनों, लाइक वरीसु तो अपने थलापति विजय की मूवी है और इसके कुछ गाने भी आए हुए हैं, जिसमें से मैं लाइक मेरे को दी थैलापति को थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी मूवी होने वाली है। और एक और मूवी आने वाली है थुनीवू। अब इसका अभी कुछ अभी एक ट्रेलर सा आया है जिसमें लाइक ठीक है भाई, ओके ओके, मैंने ज़्यादा क्योंकि अभी हिंदी ट्रेलर आएगा तो थोड़ा समझ में आएगा। PS 2 आ रहा है, पोन्नियिन सेल्वन 2, जो कि अप्रैल में आने वाली है। तो इसकी लाइक 7 महीनों में सीक्वल ला देना बड़ी बात होती है, बट भाई 500 करोड़ इन्होंने 2-3 पार्ट मिला के जब बना दिए है 500 करोड़ में, तो इंटरेस्टिंग 500 नहीं 700 करोड़। तो Pushpa 2 आने वाली है इस साल। यस, फिर हम ऐसा करेंगे, पुष्पा चुकेगा नहीं साला। तो ये काफ़ी ट्रेंड में आने वाला है अगला। तो अगर अपन बात करें आगे बात करें तो एक इंडियन 2 करके भी एक मूवी आने वाली है। एक मैंने इंडियन 1 ही नहीं देखी तो 2 का क्या ही बात करूँगा। तो यस, एक साउथ की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग मूवी आने वाली है, इंडियन 1 देख लेंगे तब तक। तो KGF यूनिवर्स से एक और मूवी आने वाली है, सलार। तो भाई प्रभास का करियर जैसा चल रहा है उस हिसाब से ये मूवी अगर नहीं चली तो फिर प्रभास तो गया। सो साउथ में रजनी सर का बहुत नाम है, तो उनकी एक मूवी आने वाली है इस साल, जेलर, जिसका लाइक अनिरुद्ध म्यूजिक दे रहा। तो भाई अनिरुद्ध के अपन बहुत बड़े फैन है, लाइक अनिरुद्ध तो भाई क्या म्यूजिक बनाते हो, बड़ा ही मजा आता है आपका म्यूजिक सुन के। तो अच्छा ऐसा है कि भाई अनिरुद्ध एक मतलब लाइक अगर म्यूजिक म्यूजिक वाली मूवी भी रिलीज करेगा तो भाई मैं देखने जाएगा। अगर हम बात करें आगे तो फिर भाई प्रशांत वर्मा, प्रशांत वर्मा, हाँ प्रशांत वर्मा का जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स जिसको अपन अंजना थारी, अंजना मेरे को नाम नहीं याद, ठीक है, उस मूवी उस यूनिवर्स की भी हनुमान मूवी आने वाली है और अधीरा मूवी भी शायद से इसी साल आ जाए। अधीरा का कुछ अभी पता नहीं है, अता पता, बट कुछ ना कुछ तो आने ही वाला होगा। तो हनुमान मूवी तो इसी साल आना है, तो देखते हैं कब तक आती है, कैसी आती है। और बस अब आते हैं बॉलीवुड की तरफ। तो बॉलीवुड की तरफ से काफ़ी लंबी लिस्ट है, वो तो पिछले साल भी थी, उसमें से कितनी 10-20 करोड़ कमा के निकल लेगी पता नहीं। तो अपन आते हैं पहली मूवी से, तो कुत्ते करके एक मूवी आने वाली कुछ दिनों में ही। तो नाम तो इसका कुत्ते है और इसका ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है, तब्बू के मुंह से गाली क्या लगती है, ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल मूवी थी यार। मूवी का ट्रेलर लगा लाइक हाय, और लास्ट में तो लाइक मूवी लग रही है कि भाई ये कुछ लाइक कभी ना कभी एक यूनिवर्स ना बना डाले। तो अगली बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से एक मूवी आती है, मिशन मजनू करके, सिद्धार्थ मल्होत्रा होगा इसमें। तो आफ्टर शेरशाह एक और एक्शन मूवी, मोस्ट प्रोबेबली अच्छी जाए क्योंकि इसके पहले जो मूवी आई थी थैंक गॉड। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट मूवी की तो नेक्स्ट मूवी है पठान। तो भाई काफ़ी कंट्रोवर्सीज के बाद ये मूवी आने की बारी तो आने वाली है, 25 तारीख को आ रही है, उम्मीद करते हैं अच्छी रहे। आगे बात करें तो शहजादा करके एक मूवी आने वाली है, जो कि अल्लू अर्जुन स्टारिंग मूवी, अल्लू अर्जुन की मूवी, अला वैकुंठपुरमुलो का रीमेक होने वाला है शहजादा, जिसमें कार्तिक आर्यन एज लीड की कैरेक्टर हो गए। इसका ट्रेलर भी आया था जो कि फुल एकदम ऐसा लगता है कि भाई फोटोकॉपी कर दी है वो पूरी अला भाई कंटोपुर बोलो की, जिसमें बस शक्ल को चेंज कर दिया गया है फोटोशॉप के द्वारा। बाकी उम्मीद करते हैं ये मूवी अच्छी जाए। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट मूवी तो मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी अब आ जाना चाहिए, क्योंकि
काफ़ी स्किप हुई है, लाइक जून में आने की बात चल रही थी इस मूवी की, पर अभी तक इसका कुछ आता पता नहीं है। मैदान, अजय देवगन की मूवी होने वाली है, ये फुटबॉल रिलेटेड कुछ मूवी है। उसके बाद अगर बात करें तो धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा आने वाली और अक्षय कुमार सर की पहली मूवी इस साल की सेल्फी। तो इस मूवी में अक्षय कुमार सर ने हमारे इमरान हाशमी सर के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। लाइक टाइमिंग पता नहीं कैसे मैच हुई, क्योंकि और इमरान हाशमी सर ने पता नहीं इस मूवी में अक्षय सर को ही किस विस दे दिया हो, वैसे भी सीरियल के सर तो कहते ही उनको। फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मूवी आने वाली है तू जो टी में मक्कार करके, एक मूवी आने वाली है रणवीर कपूर की, और पता नहीं कैसी होगी मूवी। अगर लव रोम कॉम हुई तो फिर ये मूवी के साथ कुछ उम्मीदें नहीं है, कुछ नहीं है, बस लिस्ट में आ रही थी तो फिर भैया लगा कि हाँ ठीक है भाई, रणवीर कपूर है भाई, बड़ा नाम, देखते हैं कैसी रहती है ये मूवी। फिर अगर बात करें तो अजय देवगन की इस साल की पहली मूवी जिसको मान सकते हैं हम, अगर मैदान, अभी मैदान के बारे में कुछ अपडेट नहीं है इस हिसाब से, भोला जिसका ट्रेलर तो नहीं टीज़र कहेंगे, टीज़र आ चुका है और टीज़र लुक्स गुड, बट कैथी का रीमेक है ये, और कैथी वॉज लेजिट, क्या था यार। आई रिग्रेट कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं देखा, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही इसको देखा है और आई लव्ड इट, और इसका BGM भी बहुत इंटरेस्टिंग था और बिरयानी वाला सीन भी इंटरेस्टिंग था, फाइट सीक्वेंस भी अच्छे थे काफ़ी सारे। और भोला इसको पुल ऑफ कर पाती है कि नहीं पता नहीं। अगर हम बात करें अगली तो भाईजान, भाईजान इस्लाम, तो भाईजान की पहली मूवी इस साल की होने वाली है, किसी का भाई किसी की जान, बस जान ना निकाल दे। तो ईद के टाइम पर शायद से ही आएगी मूवी, क्योंकि ईद के टाइम पर भाईजान की एक ना एक मूवी तो आती है, हर साल नहीं पर आती है। तो नेक्स्ट बात करें तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी करके धर्मा प्रोडक्शंस भी एक मूवी लेकर आ रहा है, जिसमें रणवीर सिंह होंगे। रणवीर सिंह ने पिछले हफ्ते एक पिछले महीने हमें एक खतरनाक सी मूवी दी थी सर्कस करके, जिसके बारे में मेरे को सुन के लग रहा है कि अभी इसको देखे कि ना देखे, सोच तो रहे कि देख लेना चाहिए, पर होप सो। तो आगे बात करें तो यारिया 2 मूवी भी आने वाली है इस साल, तो यारिया 1 जो थी वो मूवी मेरे को बहुत पसंद है, बट ये यारिया 2 किसी मूवी का रीमेक होने वाला है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। बस उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई सड़े से गाने ना ऐड करें, क्योंकि यारिया 1 के गाने बहुत अच्छे थे, बहुत, लाइक यो यो हनी सिंह का सनी सनी, और फिर भाई वो इस दर्द दिल की शफारिश जो अब कर ले कोई यहाँ के, मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह, भाई क्या गाना था। और अपने रूटे पर आए रूटे यार रूटे ना वाला गाना, भाई क्या गाने थे यार। 2014 12-14 की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग। फिर आती है शाहरुख खान की एक और मूवी जवान, तो इसका म्यूजिक अनिरुद्ध दे रहे हैं आई गेस, तो ये मूवी के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को ये मूवी यार, क्योंकि BGM इज़ माई फेवरेट म्यूजिक डायरेक्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर, बहुत प्यारे म्यूजिक बनाते हैं अनिरुद्ध भाई। और लाइक अक्षय कुमार सर यार आए हैं तो बैंगर की तरह ही आए हैं, लाइक पहले 3 कैमियो दिए, लाल सिंह चड्ढा, रॉकेट्री एंड ब्रह्मास्त्र, और उसके बाद फिर बैक टू बैक मूवीज। आगे बात करें तो लेजेंडरी मूवी ऑफ द ईयर यार, इसको अभी से बेस्ट VFX के अवार्ड दे रहे हैं भाई साहब, आदि पुरुष। तो भाई आदि पुरुष मूवी भी आने वाली है सर, जून जुलाई के करीब आने वाली है, जो कि इसी महीने आने वाली थी। ओह नहीं, आ रही है इस महीने, नहीं आ रही है, जून जुलाई में आ रही है, होप सो तब तक सब शॉर्ट कर ले ये मूवी में। ट्रेलर आने तक कर हम वेट करते हैं कि क्या कांड कर रहे हैं इन्होंने अब, क्योंकि टीजर में तो हमको पता चल गया भैया तुमने बहुत कांड। आगे बात करें तो आयुष्मान खुराना की भी एक मूवी आएगी इस साल, जो कि है ड्रीम गर्ल 2। ये मूवी थोड़ी लाइक ड्रीम गर्ल 1 ऑब्वियसली अच्छी मूवी थी, पर उसका पार्ट 2 क्यों बना रहे क्यों नहीं पता नहीं, देखते क्या होता है। आगे बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर आएंगे, अब एक्शन अवतार में आएंगे, तो हो सकता है कुछ शेरशाह टाइप मिले योद्धा। फिर आएगी रणबीर कपूर की
ओपी वाली मूवी जो कि एनिमल है। इसके साथ काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि भाई साहब इसके जो BTS आए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर आएगी हमारे भाईजान की एक और मूवी Tiger 3। तो भाईजान का कैमियो हमें पठान में दिखी जाएगा, तो उसके बाद भाईजान दिखेंगे अपनी खुद की मूवी Tiger 3 में। तो वैसे टाइगर जिंदा है के बाद Tiger 3 में भाईजान क्या कमाल करते हैं देखते हैं। होप सो भाईजान इस मूवी को पुल ऑफ करने में कामयाब हो। किसी का भाई किसी की जान अगर फ्लॉप हो जाती है तो ये मूवी के साथ कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रहेगी। होप सो भाईजान विल कम बैक। ओके, फिर इसके बाद आएगी अक्षय कुमार सर की एक और मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ लाइक इस पे टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। वैसे टाइगर श्रॉफ बड़े बदनाम है, लाते उड़ाते रहते हैं। बस हीरोपंती 2 और बागी 3 जैसी मूवीज बनाई हुई है इन्होंने, तो कुत्तों को भौंकने देते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। तो शाहरुख खान की एक और मूवी इस साल आने की उम्मीद है, क्योंकि ये मूवी हो सकता है डिले हुए क्योंकि दिसंबर के आसपास का टाइम है, तो भाई डिले तो होता ही है। दिसंबर वाली मूवीज मैक्सिमम टाइम आगे खिसक जाती है। तो डंकी करके मूवी आने वाली है और ये मूवी भी अच्छी लग रही है। अच्छी तो भाई सभी मूवी लग रही है, पर कुछ अच्छा डिलीवर होता है कि नहीं पता नहीं। तो आगे बात करें तो एक कार्तिक आर्यन की दूसरी मूवी भी आने वाली है इस साल, सत्य प्रेम की कथा। क्या पता कैसी रहती है ये कथा। तो आगे बात करें कुछ सीरीज भी आएगी इस साल, तो सीरीज के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। तो मिर्ज़ापुर का सीजन 3, फैमिली मैन का सीजन 3 और कोटा फैक्ट्री का भी सीजन 3 आने की उम्मीद है इस साल। तो मिर्ज़ापुर सीजन 3 तो भैया आ ही जाएगा कुछ 4-5 महीनों में, और फैमिली मैन का सीजन 3 का कुछ आइडिया नहीं है मेरे को, आ जाना चाहिए इसको 8-10 महीनों में। और कोटा फैक्ट्री सीजन 3 का तो कुछ आइडिया ही नहीं है, बट हाँ उम्मीद लगा सकते कि इस साल आए। उसके अलावा बात करें तो काजल का एक शो आने वाला है गुड वाइफ का, द गुड वाइफ जो नेटफ्लिक्स का शो है उसका रीमेक जो कि हॉटस्टार पे आएगा। फर्जी करके एक अमेजोन प्राइम पे शो आने वाला है, गन्स एंड गुलाब करके एक नेटफ्लिक्स पे शो आने वाला है, मेड इन हेवन 2 करके अमेजोन प्राइम पे शो आने वाला है। और इसके बाद अगर बात करें तो सोनी लिव के कुछ इंटरेस्टिंग शोज भी आने वाले हैं, रॉकेट बॉयज़ करके, रॉकेट बॉयज़ का सीजन 2। लाइक रॉकेट बॉयज़ लास्ट ईयर का की इंटरेस्टिंग सीरीज में से एक है, बट मैंने नहीं देखी लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा। इंडियन सीरीज़ को तो मैंने काफ़ी अवॉइड किया है। तो अगर बात करें हम इसके बाद एक और सोनी लिव की इंटरेस्टिंग शो आने वाला है, स्कैम 2003, द तेलगी स्टोरी। तो लाइक स्कैम 1992 के बाद स्कैम 2003 आने वाला है। ओके, इसके साथ भी उम्मीदें रहेगी क्योंकि भाई साहब स्कैम 1992 का स्केल काफ़ी हाई है। उसने अमेजोन प्राइम सॉरी सोनी लिव को कितने सब्सक्रिप्शंस दिलाए। तो यही सब मूवीज और शोज इस साल आने वाले हैं। और अगर कोई मूवी शो को मैं भूल गया हूँ तो ये नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे, जिसको आपको मेंशन करना है कि भैया ये मूवी सीरीज भी आने वाली है इस साल, तो हम देख लेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को अपन यहीं पर अंत करते हैं इस वीडियो का, और मिलता हूँ आपसे ऐसे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय। और काफ़ी ज़्यादा अभी लिस्ट बाकी है, तो अभी बेस्ट मूवीज़ और वर्स्ट मूवीज़ की एक लिस्ट बाकी है, हॉलीवुड वाले तो विदेशी वाली, और सीरीज़ के बारे में भी एक लिस्ट बाकी है, तो उसके बारे में ही नेक्स्ट वीडियोस होगी। और फटाफट से ये सब कंप्लीट करके कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस का मैंने प्लान बना के रखा है। तो नेक्स्ट वीक से कुछ इंटरेस्टिंग आ सकता है। लाइक अपन ने अब फेस कैम के साथ वीडियोस तो बनाना शुरू कर ही दिया, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे ऐसे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय।